तो गाइस ये मूली कटी हुई मैंने काट ली मूली को, और उसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाला है अभी, और नमक डाला है, और ये मसाला रखा हुआ है इसमें ना। पहले तो मैंने नमक डाल दिया था, नमक थोड़ा पहले डाला, 1 मिनट पहले डाल दिया था, और ये पिसा धनिया मैंने डाला। अपने स्वाद के अनुसार से पिसा धनिया डाल सकते हैं और जितना खाना है। ये मैंने गरम मसाला डाल दिया, गरम मसाला डाला, ये पिसा हुआ मिर्च अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे भाई। जितना तीखा खाना है उतना डाल सकते हो, और जितना नहीं खाना है उतना कम डालिए। तो गाइस ये मैंने 3 आइटम डाल दिए हैं। वैसे तो जवाइन पड़ती है, जवाइन मेरी ख़त्म हो चुकी है, तो गाइस हम जवाइन नहीं करेंगे। और ये आटा सना हुआ, ये हम बेलेंगे, और ये रिफाइंड तेल है, ये मेरा तावा है, ये मेरी गैस है, मैंने सारा इंतजाम ओके कर लिया है। तो गाइस बस हम स्टार्ट करने वाले हैं मूली का परोठा। मैंने 2 मुरी ले ली आटे छोटे छोटे, और वो अभी मैंने ले ली, और अभी हम उसको बेलेंगे, ठीक है। उसके जैसे बेलेंगे तो थोड़ा थोड़ा ले लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है, हमें ज़्यादा भूख नहीं करना है, तो कुछ ही करना है। और इसमें मैंने एक बना ली अभी, और दूसरी बना ली, तैयार हो गई। तो ये मैंने 1 परौठे के लिए 2 लोग बनाई है, और ये मैं सारा मसाला इसमें डाला था ना वो मैंने ऐड कर दिया, मिक्स करना है इसको, ठीक है। डालने के बाद मैं इसको मिक्स करें अच्छे से, बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि उसका नमक और मिर्च जो भी पड़ा हुआ है अच्छे से मिल जाएगी। आप इसको बोले ये मैं दिखा रही हूँ कैसे क्या करना है। प्लेट थोड़ा छोटी है ना, करके थोड़ा जाने में दिक्कत हो रही है। गाइस अभी मैंने ना आटे के ऊपर जो लोई मैंने बनाई थी आटे की, और दो रोटियां बनाई थी ना, उससे मैंने ये मूली का मिक्स करा हुआ रख दिया। रखने के बाद मैंने एक प्लेट बटर की बहुत ही अच्छे साफ तरीके से बन गया, आप देखते जाइएगा। रखने के बाद रोटियां अच्छे से दबा दी, अच्छे से दबा देना ताकि ये खुले, अगर खुल गई तो परवाह नहीं होगा। और अभी हम इसको ना जूनर लगाएंगे, रोटी ये लगा दी में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, ठीक है, रिफाइंड तेल या कड़वा तेल हमें जिससे बनाना है, घी से बनाना है। तो गाइस हम अभी मैं पलटने वाली हूँ, ये मेरा एक तरफ हो गया, ठीक है, पक चुका एक तरफ। अब इसमें हम लगाएंगे तेल, ये तेल जो भी लगाना है आप लगा सकते हैं, आपके खाने के अनुसार है, जो आपको पसंद है वो डालिए। ये मैंने अच्छे तरीके से लगा दिया है, और अभी हम पलटेंगे इसको, फिर से कच्ची में तेल लगा देंगे। बहुत ही प्यार से बनाना ताकि फूटे नहीं, वरना ये तो फट जाता है। तो अभी हम तेल लगा रहे हैं, आप देखिए वीडियो पे बने रहिएगा बस, और देखते जाइएगा, दबा दबा के कलछी से तेल लगाना है ताकि ये परोठा अच्छे से फूल जाए और अच्छे से पक भी जाए। ये मैंने दोबारा से पलट दिया है, और परोठा थोड़ा ब्राउन होने जा रहा है, होने लगा है ब्राउन, ब्राउन हो रहा है। परोठा अच्छे तरीके से पक रहा है, बस पकने ही वाला है भाई, 1-2 सेकंड पक जाएगा। तो गाइस ये देखिए परोठा अच्छे तरीके से पक चुका है, अभी हम प्लेट में डालने वाले हैं, और जिसको अचार से खाना है अचार से खा सकता है, जिसको मलाई से खाना है वो मलाई से खा सकता है, जिस तरीके से चाहे उस तरीके से खा सकते हैं गाइस। तो गाइस हमारा परोठा कैसा लगा कमेंट में बताइएगा जरूर, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तो क्लियर डाटा एंड बाय बाय।